कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर सूत्रों से खबर है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बोले राहुल गांधी, बड़े नेता की सिफारिश पर टिकट नहीं देना है, मजबूत पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट देना है। राहुल गांधी का बयान, बाहर से आया नेता जीत सकता है, इस आधार पर टिकट न मिले, पार्टी नेता के जीतने की संभावना हो तो प्राथमिकता मिले, पार्टी नेता पर गंभीर अपराध का केस हो तो टिकट न मिले। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राहुल गांधी ने बड़ा दिशा निर्देश दिया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो, सिर्फ उनकी सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं देना है, बल्कि मजबूत पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देना है, भले ही उसका नाम कोई बड़ा नेता ना ले। बाहर से आए नेता को सिर्फ इस आधार पर टिकट नहीं देना है कि वो जीत सकता है और उसके पास संसाधन है, पार्टी के नेता की अगर जीतने की संभावना है तो प्राथमिकता उसको ही देनी है। राहुल गांधी आज एक दिन के रायबरेली दौरे पर रहेंगे। राहुल यहां दलित युवक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कुछ दिन पहले युवक की हत्या कर दी गई। राहुल गांधी आज सुबह फुर्सतगंज एयरपोर्ट से सीधे नसीराबाद के पिछवाड़ी गांव जाएंगे, जहां वो मृतक अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पिछवाड़ी गांव में बीती 11 अगस्त को अर्जुन पासी का किसी नवीन सिंह नाम के शख्स के साथ विवाद हुआ था, जिसमें नवीन को अर्जुन ने कई थप्पड़ जड़ दिए थे। इससे नाराज नवीन सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन पासी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी मृतक के परिजनों से मिल चुका है और अब राहुल उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में कैब से सफर किया है। इस दौरान राहुल ने कैब ड्राइवर से उनके अनुभव और परेशानियों के बारे में जाना। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है? सुनील उपाध्याय। कहाँ के हो? मैं यूपी से। बातचीत के दौरान उन्होंने देश के कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी एजेंट्स जैसे गिग वर्कर्स की समस्याओं का जायजा लिया। इसके बाद कैब ड्राइवर उपाध्याय के परिवार के साथ खाना भी खाया। कर्नाटक में और तेलंगाना में उबर ड्राइवर्स के लिए कानून बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा समझना चाहता था कि इनको मुश्किलें क्या हैं।